मैंने पार्टी हाईकमान को तो लिख के दे दिया 2 पेज का मैटर। अब मैं एसएसपी से मिलने वाला हूं कि जो भी इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर रहा है, कॉपीराइट उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो समाज की फिजा को खराब करना चाहते हैं, अमन चैन को समाप्त करना चाहते हैं, जो एक कट्टरपंथी हिंदू विधायक को मुसलमान साबित करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं एसएसपी साहब से मिलने वाला हूँ। भ्रामक है, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा कांग्रेस से। मैं कट्टरपंथी हिंदू आदमी हूँ, अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के साथ खड़ा हूँ हमेशा। वो बेनकाब होंगे, अरे भेड़ का आईना दिखाने में 10 साल लग गए ना, लेकिन ये आईना जल्दी दिखा दूंगा, 1 साल के अंदर ये बिल्कुल बेनकाब होंगे और बहुत जल्द होंगे। मैं तो आपको बता दूं, मैं पीठ पीछे वार नहीं करता हूं, मैं शेरों की तरह वार करता हूं, मुकाबला करता हूं आमने सामने, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ता हूं। लेकिन मैं इनकी तरह नहीं, चूहों की तरह कि बंद कमरे में बैठ के किसी की ऑडियो बनाकर, किसी की आवाज़ की वो डबलिंग करके और दिशा भ्रमित करना। अरे समग्र हिंदू समाज जानता है 2 अक्टूबर को राजकुमार ठुकराल ने क्या किया, उसके बाद भी जब जब ऐसा कोई मामला होता है सामने खड़ा होता हूं, लेकिन 10 साल में शहर में कोई दंगा नहीं हुआ।